संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। ICU, NICU, कैथ लैब, एयर ट्रांसप्लांट, प्राइवेट कमरे, यूरोलॉजी, सीटी स्कैन, लैप्रोस्कोपी, एक्सीडेंट, ट्रॉमा, हार्ट अटैक, चले का इलाज, डायलिसिस की सुविधाएं उपलब्ध हैं। सभी मरीजों को खाना फ्री दिया जाता है। आयुष्मान भारत, हरियाणा सरकार और रिटायर्ड फौजी भाइयों के इलाज, इंश्योरेंस और TPA पैनल पर सभी सुविधाएं उपलब्ध। पूछताछ मोबाइल नंबर 7027566691। आप लोगों ने देखा होगा परसों का जो मामला है, परसों आप लोगों को मैंने सारी बातें बताई कि बुढ़ाक के किसान आए हुए हैं, बुढ़ाक बांडाड़ी दो तीन गांव के किसान आए हुए हैं। तो उस मामले में किसानों की सुनवाई कई दिनों से नहीं हो रही थी पानी के मामले में, तो वो उसके लिए भाई ऐसी साहब ने हमारा फ़ोन नहीं उठाया, मैं चली गई, मैं आमने सामने बैठ के बात करें, अगर आप हमारी बात का जवाब नहीं देते तो हम मुख्यमंत्री जी से इस बारे में पूछें। तो उस समय आप लोगों ने मुझसे सवाल किए कि मेरी बैठक में सुंडाबास में क्या हुआ, तो मैंने आपको बताया भी कि हमारी बैठक, जो कुछ लोग कहते हैं कि इनको भगा दिया गया, बैठक नहीं करने दी, उसको मैं क्लियर कर दूं, 3.5 घंटे बैठक चली है और बैठक हम पूरी करके आए हैं। तीनों मंडलों की कार्यकारिणी जो संपूर्ण हुई, चाहे काजला की हो, चाहे आदमपुर की हो, चाहे वो सुंडावास की हो, बारसूंद मंडल की, उस बैठक में कुछ लोग आए और उन लोगों ने बैठक के दौरान हू हल्ला किया। वो चलिए प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन प्रदर्शन का एक तरीका होता है कि आप एक जगह पे खड़े होके नारेबाजी कर सकते हो, लेकिन आप जो वहाँ बैठक चल रही है उस कमरे में पेड़ को लाके तोड़ के काट के और उससे उस दरवाजे को ठोक के तोड़ नहीं सकते जहाँ पे बैठक चल रही है। जिस अधिकार से वो आंदोलन कर रहे हैं या प्रदर्शन कर रहे हैं, उसी अधिकार से हमें भी बैठक करने का अधिकार है। आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्या हमें बैठक करने का अधिकार नहीं है? अगर हमें नहीं है, संविधान ये कहता है हम बैठक ना करें और वो प्रदर्शन करें और मारपीट भी करें, तो हम पीछे हट जाएंगे, बीजेपी का कोई कार्यकर्ता बैठक नहीं करेगा। अगर संविधान हमें अधिकार देता है, हम भी अपना कार्य कर सकते हैं, तो हम ज़रूर करेंगे और उसका जवाब भी देंगे। और बैठक ख़त्म होने के बाद उन लोगों ने जो चाय समोसे कार्यकर्ताओं के लिए आए थे, वो चाय समोसे लूट लिए, पानी के कैंपर थे वो तोड़ दिए, महिलाओं को, 4 महिलाएं थीं, उनको कहा कि इनके बाल पकड़ के घसीटो, ये दोबारा नहीं आएंगी, दोबारा बैठक का हिस्सा नहीं बनेंगी, इनके बाल पकड़ के घसीटो, जबकि वो महिलाएं थीं उसी जगह की, पास के गाँव की महिलाएं थीं, उन्हीं की बहनें थीं। भारत माता की फ़ोटो को तोड़ा गया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की फ़ोटो को तोड़ा गया, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की फ़ोटो को तोड़ा गया। भारत माता की फ़ोटो को तोड़ना कहाँ तक उचित है? इन लोगों ने ये कार्य किया जो कि मैं इसको बहुत ही घिनौना बता रही हूँ। ऐसा घिनौना कार्य किया इन्होंने, हमारे मंडल अध्यक्ष और हमारे मंडल महामंत्री को चोट लगी, दो लोगों को, उन पर वार किया उन्होंने, ये कहाँ तक उचित है? उन लोगों ने ये सारी चीज़ें की। आप लोगों ने मुझसे पूछा सिंचाई विभाग के दफ्तर में कि उस दिन क्या हुआ। ये चीज़ें होने के बाद मैंने ये कहा कि वो लोग जो ये सब चीज़ें करके आए हैं वो लफंगे हैं, वो दारूबाज हैं, वो महिलाओं को छेड़ते हैं, वो ऐसे लोग हैं। तो कौन सा गलत कहा मैंने? क्या मैं गलत हूँ यहाँ पे? मैंने ये तो नहीं कहा कि किसान लफंगा है, मैंने ये तो नहीं कहा किसान लफंगा है। किसान तो मेरे दादा भी थे, मेरे पिता भी हैं और मैं भी किसान हूँ। किसान का मैं बहुत सम्मान करती हूँ। मैं उन लोगों को, उन किसानों को लफंगा नहीं कह रही, मैं उन लड़कों को लफंगा और दारूबाज कह रही हूँ जिन्होंने बीजेपी की बैठक में आके तोड़ फोड़ की, हमारे मान सम्मान को ठेस पहुँचाई, उन लोगों के लिए ये शब्द थे। और आज की तारीख में सब लोग जो आंदोलन का हिस्सा है, ज़्यादातर लोग, सब तो नहीं कहूँगी, ज़्यादातर लोग जो मेरे नाम से प्रसिद्धि पाना चाहते हैं, छोटे मोटे जो घूमते रहते हैं ना, जो प्रसिद्ध होने के लिए, चाहे उसमें महिलाएं भी आ जाती हैं, कई महिलाएं भी हैं ऐसी
जो मेरे परिवार को लेके, मुझे लेके गंदी गंदी बातें वीडियोस बना के डाल रहे हैं, गंदी गंदी बातें कह रहे हैं। इसके लिए मैंने आज आप लोगों को बुलाया था कि उन लोगों को मैं बता देना चाहती हूँ कि ये जो कमेंट करने वाले लोग हैं, पिछली बार मैंने जो रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जो कमेंट गंदे किए थे वो सब भाग गए सोशल मीडिया अकाउंट से, अपनी आईडी तक हटा ली उन लोगों ने। अगर आप लोग जिम्मा लेते हो कि मैंने ये शब्द आपके लिए कहा है और मैं डंके की चोट पर कह रहा हूँ, तो एक कायम रहना, अपना अकाउंट डिलीट मत करना इस बार। फिर साइबर सेल वालों को तकलीफ होती है उनके अकाउंट ढूंढने में, क्योंकि इस बार कार्रवाई ज़रूर होगी। जो लोग भी गंदगी फैला रहे हैं समाज में, किसने अधिकार दिया उनको गंदा बोलने का? जब हम किसी के लिए गंदा नहीं बोलते, समाज में गंदगी फैला रहे हैं ये लोग, उनको समाज को गंदा करने का कोई हक नहीं है। सोशल मीडिया पे आपको किसने अधिकार दे दिया कि आप इतना गंदा किसी के बारे में बोलेंगे और आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी? यही कहना है मेरा आज का। जैसे आपने संविधान का जिक्र किया है, उसी संविधान की धज्जा उड़ा करके कानून पास किए, तो उसके बारे में क्या कहना है? संविधान की मुझे ये बताइए, किसने उड़ाई धज्जियाँ? देश नहीं, एक भी सांसद उसको ये मना कर, देश की सरकार को लोगों ने चुना है, पार्लियामेंट में बहुमत साबित होने के बाद कानून पास हुआ है। किसने कहा कानून की धज्जियां उड़ाई? संविधान, अगर एक भी सांसद उसके लिए मना करता है तो उसके लिए वोटिंग होना चाहिए, जिसको हटा दिया गया हो ही नहीं सकता। पार्लियामेंट में अगर बहुमत साबित नहीं होता है तो कोई कानून पास नहीं हो सकता। सुन नहीं रहे, ध्वनि मत के आधार पर किया गया था, अगर कोई एक भी सांसद उसके लिए मना करता है, ध्वनि मत के आधार पर नहीं होना चाहिए, तो वोटिंग होना चाहिए और उस चीज की सुनवाई ना हो करके कानून पास कर दिया गया। मेजोरिटी अगर कहती है ना पार्लियामेंट में, वही चीजें होती है। लेकिन कानून की बात हो रही है। हाँ, कानून की, संविधान हमारा कहता है, देश की सरकार जो बनी है, देश के लोगों ने चुना उसको और बहुमत के साथ चुना है, तो बहुमत जो कहता है वो ये चीज होंगी ना सरकार में। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक साल के लिए स्थगित किया है ना उसको। हाँ, तो हमारी मीटिंग, हमारी बैठकें तो जारी रहेंगी। हमारी बैठक में हमको किसी के साथ छेड़खानी थोड़ी कर रहे हैं, हम किसी के मारपीट थोड़ी कर रहे हैं हमारी बैठकों में। किससे? मैंने किसी किसान का अपमान नहीं किया, मैंने उन लफंगों का अपमान किया है जो भारत माता की फोटो तोड़ी है। पहले वो माफ़ी मांगे देश के सभी लोगों से जिसने भारत माता का अपमान किया। हम क्यों माफ़ी मांगे? हम किस बात के लिए माफ़ी मांगे? किसानों का कहना मैडम कि उस गिरोह के अंदर बीजेपी के ही कुछ शख्स थे जिन्होंने ऐसा किया है, पॉलिटिकल एजेंडा के लिए। तो उन किसानों से कहिए ना उनकी जांच करवाएं, कौन लोग हैं वो, उन किसानों जो किसान को बोल रहे हैं, उन किसानों से कहिए ना जाँच करवाएं। मैम, आज के जमाने में जहां मूलभूत सुविधाओं के लिए उन्हें 500 चक्कर काटने पड़ जाते हैं, क्या आपको लगता है कि अगर कोई आम आदमी इतने बड़े मुद्दे पर जांच के लिए कहेगा तो जांच करेंगे? देखिए, किसके कहने पे नहीं होगा, किसके कहने पे? इंसान के कहने पे, जो आम इंसान जो ये आरोप आप पर लगा रहे हैं कि ये पॉलिटिकल मुद्दा था, आप बोल रहे हैं कि अगर उन्हें ऐसा लग रहा है तो वो जांच की मांगे करें। जो लोग मूलभूत सुविधाएं मांग रहे हैं उन्हें मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। मूलभूत सुविधाओं से क्या मतलब है? मूलभूत सुविधाएं कौन नहीं दे रहा, किसको नहीं दे रहा? हाल ही में पानी के मामले को लेकर के आप जो है कुछ गांव वासियों के साथ मिले, उन ग्रामवासियों ने कहा था कि उन्होंने बहुत चक्कर निकाले हैं और उसके बाद जो है अभी तक उन्हें उनकी मूलभूत सुविधाएं, यानी कि जो पानी की मूलभूत सुविधा है, उन्हें नहीं मिली है। तो उसका उसका उदाहरण तो मैं बैठी हूँ आपके सामने, उनको सुविधाएं नहीं मिल रही तो मैं भी तो खड़ी होती हूँ उनके साथ। हम मुख्यमंत्री जी तक बात करते हैं और कार्रवाई होती है। उन्होंने 3 तारीख तक का समय दिया, करके देंगे 3 तारीख तक, नहीं करके देंगे तो हम मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे। तो क्या सोनाली फोगाट नहीं होंगे तो किसानों को पानी नहीं मिलेगा? इस बात तो आप चले गए। देखिए, मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ मैं ही करवाऊंगी, हर किसी को अपना हक मांगने का अधिकार है और कोई मांगता भी है। आज को सब लोग मीडिया में अपनी बात रखते हैं और बात पहुंचती भी है, सोशल मीडिया पर अपनी बात रखते हैं तो भी पहुंच जाती है सरकार तक, और सरकार ईमानदारी के साथ अपना काम कर रही है। तो
परिवार पर भी और पर्सनल लाइफ के ऊपर भी कुछ सवाल उठाए जा रहे हैं आपके, क्या है? बिल्कुल, परिवार पे भी बार बार क्या क्या नहीं कहा जा रहा, और मेरी पर्सनल लाइफ, मेरे प्रोफेशन को लेके सवाल उठाए जा रहे हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों ने जो पत्रकारिता शुरू की तो अपने मन से की होगी ना, कि मुझे डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनना, भी मुझे तो पत्रकार बनना है। उसी तरह से मैंने भी अभिनय क्षेत्र को चुना। मैं राजनीति से पहले अभिनय क्षेत्र में थी, मॉडलिंग करती थी, बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स के लिए मैंने मॉडलिंग की है, बहुत सारा काम किया है। पिछले 20 सालों से मैं काम कर रही हूँ अभिनय क्षेत्र में। किस तरह के कपड़े पहनती हूँ, किस तरह का डांस मैं करती हूँ, किस तरह की मेरी परफॉर्मेंस रहती है, वो मेरा अपना नज़रिया है, मेरा अपना, मैं स्वतंत्र हूँ उसके लिए, जो करने के लिए। आप हर आदमी अपना काम करने के लिए स्वतंत्र है, कोई किसी को बाध्य नहीं कर सकता कि आप काम छोड़ दो। मुझे सोशल मीडिया पे लोग आके कहते हैं कि आप इन दोनों में से एक प्रोफेशन को चुनो। राजनीति कोई मेरा बिजनेस नहीं है जिससे मुझे कमाई आती हो। राजनीति में खर्चा होता है। आप लोगों के सपोर्ट में जब उतरते हैं, राजनीति करते हैं, सोशल वर्क करते हैं, तब आपकी जेब से खर्चे होते हैं, ना कि आपको वहाँ से पैसा आता है। मेरा बिजनेस, मेरा काम जो है, मेरा अभिनय है, अभिनय से मेरी कमाई होती है। तो क्या बैठ के इसी प्रकार जारी रहेंगे, किसान विरोध करते रहेंगे? बिल्कुल, बैठ के हम क्यों रोकेंगे? बैठ के रोकने का सवाल ही पैदा नहीं होता। क्या कानून और नियम उनके लिए अलग बने हैं या हमारे लिए अलग बने हैं? जिस तरह से उनको आंदोलन करने का अधिकार है, उसी तरह से हमें भी बैठ के करने का अधिकार है। हम भी बैठक करेंगे अपनी। अभी आप कह रहे थे कि बहुत सारी महिलाएं जो है आपको फेसबुक पर आकर के भरा भला बुरा कह रही हैं। उनमें एक पूनम पंडित भी हैं, उन्होंने भी लाइव आकर के आपके बारे में काफी कुछ कहा है, तो क्या कार्रवाई उन पर भी करवाने वाली? देखिए, बहुत सारी महिलाएं हैं, मैं तो जानती नहीं हूँ कौन है ये पूनम पंडित, लेकिन हर कोई आजकल तो सोशल मीडिया पे आके जाओ देखो, सोनाली फोगाट के लिए बुरा भला बोल रहा है, क्योंकि हर किसी को फेमस होना चाहता है हर कोई, और मुझे कहता है फेमस होने के लिए। तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि मुझे फेमस होने की ज़रूरत नहीं है। मैं पिछले 20 सालों से अभिनय क्षेत्र से जुड़ी हूँ, मुझे बहुत सारे लोग जानते हैं, और जानना क्या होता है, एक पहचान, वही फेमस या प्रसिद्धि होती है, एक पहचान पा लेना। और मैंने अपनी पहचान बनाई है, तो उस पहचान को और बनाने की ज़रूरत नहीं है। पूरे देश भर में लोग मुझे जानते हैं, देश में भी जानते हैं, विदेशों में भी लोग जानते हैं। और मेरे, जब मैं ये अभिनय के क्षेत्र में जो चीज़ें करती हूँ, या मेरे सोशल मीडिया पे म्यूज़िक वीडियोस जो रहते हैं, उसमें मिलियंस में फॉलोवर्स मेरे हैं, मिलियंस में मेरे व्यूज़ आते हैं, तो मेरे, मुझे प्रसिद्धि की ज़रूरत नहीं है। हिंदुस्तान का नंबर वन शो कर चुकी हूँ मैं, बिग बॉस, मुझे प्रसिद्धि की ज़रूरत नहीं है। प्रसिद्धि की ज़रूरत उनको है जो लोग मेरे नाम से अभी वीडियोस बना रहे हैं, उनको प्रसिद्धि की ज़रूरत है। शायद वो लोग सोचते हैं कि ये सब करके हम नाम कमा लेंगे या प्रसिद्धि पा लेंगे। और उन्होंने अगर, जो आप जिनकी भी बात कर रही हैं, अगर उनको पता नहीं है, अगर उन्होंने गलत बोला है, कानून के दायरे में रह के नहीं बोला है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई ज़रूर होगी। अभी मनोज राठी जी ने भी कहा था मैडम कि हस्बैंड को लेके कुछ खुलासा करेंगे, हमारे पास में कुछ ऐसा है, हम चाहे FIR भी करवा सकते हैं, हम डरते नहीं हैं, DIG साहब को बोल दीजिए, वो आपकी बात सुनते होंगे, हम नहीं डरते, तो उस विषय में क्या? इस तरह के लोग इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। उनसे मैं कहना चाहती हूँ, आपने एक दिन पहले भी बोला था, 2-4 महीने पहले, आपने किया क्यों नहीं, घर क्यों बैठे हैं? आप लेके आइए ना, सब चीज़ें निकाल के लाइए, मैं तैयार हूँ, आप लेके तो आओ। आप कौन, आपको किसने रोका, किसने हाथ पैर जोड़े आपके जाके? आप लेके आओ ना, रिपोर्ट तो हम करवाएंगे अब दर्ज उनके खिलाफ। उन्होंने किस बेस पे बोला है ये, हम लोग करवाएंगे। आपने देखा होगा पिछले बार जब उन्होंने बोला था, तो मेरी सास ने उनको चैलेंज किया था कि मेरे बेटे के बारे में अगर आप ऐसा बोलते हो तो आपको कोर्ट में मेरा इसका सामना करना पड़ेगा। और हम लोगों ने इस बात को सीरियस नहीं लिया था। मुझे लगा कि ऐसे ही बेकार आदमी है, ऐसे ही बोल रहा है, इसका काम है ऐसे बोलना शायद, तो हमने इसको सीरियस नहीं लिया था। लेकिन आज मैं सीरियस ले रही हूँ, इसने दूसरी बार बोला है, तो इसको इसका जवाब देना पड़ेगा।